राहुल गांधी के मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान को लेकर मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। अब अपने बयान को लेकर पहले सजा और अब संसद की सदस्यता जाने के बाद अब राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के 30,000 पुलिस पोस्ट में एक FIR दर्ज की गई है। रविंद्र गुप्ता नाम के वकील ने शिकायत में राहुल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले चुनी हुई सरकार के बारे में नेगेटिव बातें की है। वकील के मुताबिक राहुल गांधी ने नफरत की भावना से ये बातें की है। उनके लंदन में दिए गए भाषण में कानून बनी सरकार के प्रति नफरत भरी बातें की है। वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि राहुल ने विदेशी नागरिकों और भारत के नागरिकों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की जा चुकी है। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। वहीं आपको ये भी बता दें, भाजपा नेता सुशील मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर शिकायत दर्ज की थी। इस मामले में राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया था और बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। वहीं सबके बाद राहुल को 24 मार्च को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। उन्हें 3 अप्रैल को सत्र अदालत में अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ अपील दायर की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।